गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आपका बढ़िया होगा, घूम रहा होगा, फिर रहा होगा, याशी कर रहा होगा। अभी बज रहा भाई सुबह का 8। हम लोग सनराइज़ वगैरह देख के रेडी वेडी हो गए। अब यहाँ से निकलेंगे बाइक्स वाइक्स लोड करने के बाद। सबसे पहले जाएंगे एक मंदिर है शिव जी का, पाताल भुवनेश्वर, वहाँ पे, और फिर वहाँ से अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे। तो ये है आज का प्लान। अब यहाँ पे बाइक्स वगैरह लोड करके आपसे मिलते हैं डायरेक्टली बाइक्स पे। सो भाई चालू हो गए आज की अपनी राइड। श्री राम का नाम लेके हमेशा की तरह राइड चालू कर दी गई है। यहाँ से जाएंगे भाई सबसे पहले पाताल भुवनेश्वर, और उसके बाद वहाँ से आगे राइड कंटिन्यू करेंगे। ये है प्लान आज का। अभी तो भाई सबसे पहले ढूंढेंगे कहीं ब्रेकफास्ट करने का जुगाड़, ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर निकलेंगे आगे। भाई साहब, हाँ भाई, सुबह सुबह पहाड़ों पर चलाने के अपने अलग ही मजे है भाई, मौज आ जाती है भाई। यही सब मिस करते हैं भाई, इतना राइड करते हैं प्लेन्स पे, लेकिन ये सब थोड़ा प्लेन्स पे नहीं कर सकते। तो एक तो साला है मेरी बाइक में पता नहीं आगे से क्या आवाज़ आ रही है, इतना इरीटेटिंग है। अगर गाना नहीं चलाओ ना तो भाई दिमाग खुद का ही खराब हो जाता है। वापिस जाके सबसे पहले यही फिक्स कराना है। खैर जो भी है, बड़ा अच्छा लगता है, यही गाना चल रहा था मेरे अभी, तुमसे मिल। अरे भाई लिटा दे लिटा दे। क्या बात है भाई साहब, मजे आ गया भाई मजे। शिट सॉरी। हाँ भाई यहाँ से जाएंगे बेरीनाग। बेरीनाग से आपको जाना पड़ेगा पाताल भुवनेश्वर, अगर आप चकोरी से पाताल भुवनेश्वर जाना चाहते हैं तो। भाई बेरीनाग है कुछ तो 8-10 किलोमीटर, और फिर वहां से आपको पाताल भुवनेश्वर के लिए अलग रास्ता कटता है, वो ले लेना है। तो भाई पूछ गए हम जरा अपने रेस्टोरेंट ब्रेकफास्ट ब्रेक के लिए, क्या क्या ऑर्डर किया। 4 आलू प्याज, 3 चाय, 1 कॉफ़ी व्यू के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, और इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे पाताल भुवनेश्वर। तो अब जरा ब्रेकफास्ट निपटा के फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो भाई ब्रेकफास्ट चल रहा है अपना, ये प्रवेश जसवाल बताएंगे क्या क्या खा रहे हैं हम लोग। ये आलू प्याज पराठा, चने हैं, और ये सबसे बढ़िया चीज़ ये है। निखिल भैया बताइए क्या है। हम लोग भाई हमने पूछा रेस्टोरेंट में, उन्होंने बताया भांग के बीज की चटनी है। तो ये आदमी अब 200 की स्पीड पे चलाएगा बाइक। ये है भाई सो भाई पहुंच गया पाताल भुवनेश्वर, निकलते हैं फिर जरा नीचे मिलते हैं। तो भाई पहुंच गए हम पाताल भुवनेश्वर, यहाँ से जाना है नीचे। भैया कितनी दूर नीचे जाना है? यहाँ से आप लोगों को गुफा तक की दूरी आधा किलोमीटर तय करनी पड़ेगी। आधा किलोमीटर जाना पड़ेगा नीचे, उसके बाद गुफा दर्शन, उसके बाद दर्शन होंगे भोलेनाथ के। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। तो भाई ये है गेट अपना मंदिर का,
वहाँ से थोड़ा चल के आए हम करीब आधा किलोमीटर, और यहाँ फिर अंदर गुफा में एंट्री मिलेगी और फिर महादेव जी के दर्शन होंगे। हर हर महादेव। एंट्री और फिर अंदर जाने की फीस लगती है। हम चार लोग हैं, हमारे 250 रुपए लगे, मस्त पर्ची वर्ची मिलती है। सुबह आ गए हम वापस महादेव के दर्शन करके। फोन ले जाना अलाउड नहीं है इसलिए मैं अंदर का कुछ भी शूट नहीं कर पाया हूँ। आपको भाई 90-100 फीट नीचे जाना पड़ता है, प्रॉपर गुफा है, बहुत ही पतला रास्ता है, तब बचा के झुकझुका के टेढ़ा मेढ़ा लेट लाग के आप नीचे पहुँच जाएंगे। नीचे पहुँचेंगे आपको फ्री में गाइड मिल जाएगा, वो गाइड आपको पूरी जगह घुमा देगा। बहुत ज़्यादा मान्यता है पाताल भुवनेश्वर की, तो अगर आसपास रहते हैं आप तो एक बार जरूर विजिट करिए, दूर भी रहते हैं तब भी आइए। और अगर आप नॉन रिलीजियस भी हैं तो केवल ये देखने के लिए कि केव एक्सपीरियंस कैसा होता है उसके लिए भी आप ये विजिट कर सकते हैं। नीचे बहुत ही सही एक्सपीरियंस रहने वाला है। अब हम चलते हैं बाइक पे, राइड कंटिन्यू करते हैं अपनी। हेलो सब भाई, हो हमने दर्शन वगैरह, आप चल रहे हैं वापस। आज का प्लान ये है कि भाई अल्मोड़ा या अल्मोड़ा से नीचे जहाँ तक मर्जी होगी चले जाएंगे। 4-5 बजे तक बाइक चलाएंगे, 4-5 बजे तक बाइक चलाएंगे, जहाँ पहुँच पाएंगे पहुँच जाएंगे, उसके बाद फिर कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज का अपना पूरा एजेंडा यही है कि भाई रास्ता एंजॉय करना है, बढ़िया मस्त मज़े लेने हैं बाइक पे, और जहाँ तक अपनी जर्नी कंटिन्यू हो पाएगी वहाँ तक कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल प्रॉपर जो नो एजेंडा राइड होती है ना आज, वो करी जा रही है। कोई एजेंडा नहीं है, बस बाइक चलानी है। कहाँ जाना है, कहाँ तक जाना है, कितना चलाना है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। बस एक ही काम, मोटरसाइकिल चलाना। खैर मजे करते हैं। तो भाई लोग मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ और यहाँ पे वेट कर रहा हूँ बाकी बंदों का। तब तक आप ये जगह देखो और इसकी शांति देखो आप। सो भाई ताबड़तोड़ याशियाँ चल रही है अपनी पहाड़ों पे। इस रास्ते का भाई सबसे बढ़िया फायदा यही है कि इसमें चारों तरफ पेड़ है, तो मस्त धूप नहीं लगती है, बढ़िया चले जाओ अय्याशियां करते हुए। ये रास्ता अल्मोड़ा था ऑलमोस्ट ऐसा ही है, मस्त एकदम पेड़ पौधों वाला। व्यू देखो भाई चारों तरफ, चौतरफा व्यू भाई एकदम कतई, आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ व्यू ही व्यू। और ये पतले रास्ते चलाने में मजा है भाई, यही सब नहीं करने को मिलता प्लेन्स में। खैर अपनी राइड एकदम चौकस चल रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक। कितना चला चुके हैं, काफ़ी चला चुके हैं, देखते हैं 678, 600-700 किलोमीटर चला चुके हैं भाई, बढ़िया एकदम बिना कोई टेंशन के। चौकस राइड चल रही है भाई, बस वाला आ रहा भैया, बस वाला, चलो भाई लिटा के बस वाले एकदम पता है जा साले।
सो भाई पहुंच गए हैं मलमोड़ा, टाइम हो गया 5:30। कुल मिला के व्यवस्था ये है कि अल्मोड़ा में ही रुक जाएंगे कहीं, और अल्मोड़ा के बाद कल सुबह का देखा जाएगा। क्या चाह रहे हो बेटा? ओ भाई, तो भाई यहाँ से जाएंगे अल्मोड़ा मार्केट, मार्केट में पेलम पेल होटल वोटल वो देख लिया जाएंगे, कोई एक ले लिया जाएगा और पड़ जाया जाएगा आज के लिए, बस यही है एजेंडा। सोचा था थोड़ा और आगे निकल जाएंगे आज सुबह जब निकले थे घर से कि अल्मोड़ा से तो आगे ही रुकेंगे, पर साला ही अल्मोड़ा में ही हर बार फंसता हूँ मैं आके। खैर जरा किसी होटल वोटल में पहुँचते हैं, देखते हैं फिर बातचीत करते हैं। सो भाई ये अपना रूम 1100 का मिला भाई दो लोगों के लिए, बेड बेड है, सामान वामान पहन लिया, टीवी वगैरह सब है, चौकस एकदम बढ़िया वॉशरूम है। अब भाई जरा फ्रेशन अप होते हैं उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। क्यों भाई शुभम, क्या यहाँ से चल रही तुम्हारी? चल रही है, सीख रहे हैं आपसे। सो भाई हो गया अपना आज का दिन खत्म, डिनर विनर कर लिया, पत्ते वत्ते खेल लिए, अब भाई बज रहा रात का एक, सोने का हो गया टाइम। उम्मीद है आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगा फीडबैक में बताइए ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें। बाकी टाइम आ गया ये ब्लॉग को ख़त्म करने का, एज ऑलवेज घूमते रहिए फिरते रहिए, अय्याशी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट ब्लॉग।